अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, आप सभी को, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल जो मैं मिट्टी फुला कर रखी थी वो अच्छे से फूल गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज से छपाई करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आंगन का छपाई तो अभी नहीं करूंगी क्योंकि आंगन अच्छे से नहीं सूख पाया है बारिश की वजह से, जो कच्चा हुआ था। तो घर का पहले मरम्मत कर लेंगे, जो गड्ढा गड्ढा दीवार हो गया है तो उसमें पहले मिट्टी भर लेंगे, फिर सिंपल तरीके से बाद में छपाई करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैं पहले इसी दीवार का छबाई करूंगी। बारिश के पानी के वजह से दीवार का पूरा मिट्टी बह के उतर गया है। तो पहले मैं दीवार के मिट्टी को कोड़ी से बराबर कर लेती हूँ। पूरा मिट्टी दोस्तों पानी के वजह से बह के उतर गया है। तो दोस्तों, दीवार को बराबर करते करते जो मिट्टी एक्स्ट्रा निकला है तो उसको मैं उठा कर ले जाती हूँ। मैं कल उसको फुला दूंगी, फिर उसी मिट्टी से मैं आंगन का छबाई भी कर दूंगी। तो ये देखिए दोस्तों, अभी छबाई करने के लिए पूरा घर ही बचा हुआ है, अभी तो भिटका वगैरह भी नहीं छबाया है। तो दोस्तों, मिट्टी सानने के लिए मैं कुष्टा ले आई हूँ और कुष्टा मिलाकर मैं मिट्टी को अच्छे से सान लेती हूँ। तो दोस्तों, कुष्टा मतलब धान का भूसा है, जो छोटा छोटा पैरा निकलता है उसी में से ये कुष्टा भी निकलता है। दोस्तों, भूसा और मिट्टी को मैं अच्छे से मिक्स करके सान चुकी हूँ। तो चलिए अब इसको ले चलते हैं छबाई करने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा दीवार का मिट्टी कितना ज्यादा उखड़ गया है। और हर साल हम लोग को इसी तरीके से पूरे घर का मेहनत करना पड़ता है। मिट्टी के घर को कितना हो सजा लें संवार लें, लेकिन एक साल में बर्बाद हो ही जाता है। तो दोस्तों, मिट्टी के घर में तो रहने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मिट्टी के घर को मेहनत भी बहुत ज्यादा करना पड़ता है। और इधर देखिए दोस्तों, बच्चे लोग खेत में क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, बुलबुल कैसे डांस की तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी मेरी बुलबुल डांस करने के लिए सीख रही है। और यहाँ देखिए दोस्तों, जितना भी दीवार फटा हुआ था यहाँ का, तो मैं उसका मरम्मत कर दी हूँ। और चलिए, आंगन के दरवाजे पास भी बहुत ज्यादा खराब दिख रहा है, तो वहाँ का भी मरम्मत मैं कर देती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, आज हमारे गांव में नया महतो आए हैं और बोल रहे हैं कि मेरे हाथ का दही खाकर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज इनका हाथ का दही खाकर देख लेते हैं। अगर अच्छा दही रहेगा तो हम लोग इनसे डेली दही ले लेंगे। दोस्तों, पूरा दीवार का छबाई हो गया है। जितना मैं मिट्टी फुलाई थी उसका सारा छबाई मैं कर दी हूँ और मिट्टी भी खत्म हो गया है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से मिट्टी फुलाऊंगी तो कल हम लोग का आंगन का छबाई होगा। तो ये देखिए दोस्तों, आज इतना ही छबाई हो पाया और मिट्टी भी खत्म हो गया। तो दोस्तों, इसी तरीके से डेली थोड़ा थोड़ा करके ही छबाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हाथ पैर भी धो लेती हूँ और कोड़ी टगाड़ी को भी अच्छे से धो लूंगी, वो भी गंदा हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं दोपहर का खाना खा लेती हूँ। ये देखिए समय कितना लग गया और दिन का भी 2 बज गया। तो दोस्तों, मैं खाना वगैरह खा चुकी हूँ और कल जो मैं कपड़ा धो के सुखाई थी वो नहीं सूखा है, तो आज वो सूख गया तो मैं उसको उठा लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, कितना ज्यादा मैं नदी से कपड़ा धोकर लाई थी। और लाइट कट जाता है हमारे गांव में तो हम लोग को नदी ही जाना पड़ता है नहाने के लिए, लेकिन दोस्तों नदी में नहाने से अच्छा भी लगता है।
देखिए दोस्तों, आज मेरा रूम कितना ज्यादा बिखरा पड़ा है और आज बच्चे लोग भी घर में हैं तो पूरा घर को बिखरा दिए हैं। तो दोस्तों आज मट्टी का छबाई की हूँ तो मेरा हाथ भी खिंचा रहा है, तो मैं ग्रीसलिंग और सरसों का तेल मिला के अच्छे से हाथ पैर में लगा लेती हूँ, इससे स्किन एकदम चिकना हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा उगाया हुआ सेमी कितना इसमें फल लगा हुआ है और इसका नायर पूरा आम के पेड़ में भी चढ़ जा रहा है। तो मैं रोशनी के अब्बू को बोली कि इसका नायर को थोड़ा नीचे कर दीजिए, तभी सेमी तोड़ने के लिए बनेगा और आज मैं सेमी का ही सब्जी बनाऊंगी। तो दोस्तों मेरा सेमी बहुत ज़्यादा फला हुआ है तो मैं बाजी को भी बुला लेती हूँ सेमी तोड़ने के लिए। देखिए दोस्तों, जो मैं बरसात के मौसम में सेमी जगाई थी वो कितना अच्छा से फला था और पूरा सेमी का नायर आम के पेड़ में चढ़ गया था। तो पूरा आम के पेड़ से सेमी का नायर को निकाले हैं तो उसी में बहुत ज्यादा सेमी फला हुआ था तो मैं तोड़ ली हूँ। तो दोस्तों आज रात को हम लोग सेमी का सब्जी बनाएंगे, तो चलिए इसको अच्छे से साफ कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, पूरा सेमी साफ हो गया है और अभी खाली टाइम है तो मैं सोच रही हूँ कि घर को भी झाड़ू लगा दूँ। और दोस्तों आज सुबह से मैं झाड़ू नहीं लगाई थी, नाश्ता वगैरह किए थे तब से सिर्फ बर्तन ही धो के मैं रख दी थी। और दोस्तों अभी घर के अंदर का छबाई नहीं होगा, पहले हम लोग घर का बाहर को चमकाएंगे। तो दोस्तों झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ लकड़ी लेने के लिए। और ये देखे दोस्तों, जो मैं रहर जगाई थी वो पूरा रहर मर गया और कुछ कुछ रहर बचा हुआ है तो उसमें फल और फूल लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इतना सारा लकड़ी हो गया है, चलिए इसको लेकर चलते हैं, शाम को आग जलाने के लिए बनेगा। और दोस्तों कल रोशनी के अब्बू लकड़ी काटे थे वो खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग कल रात को बहुत देर तक आग सेकाए थे। तो चलिए दोस्तों, अब कल के लिए मट्टी फुला देते हैं, कल भी तो छबाई करना है। तो दोस्तों मट्टी फुलाने के बाद अब मैं आ गई हूँ सेमी का मसाला लेके, मसाला पीस लूंगी और इसमें मैं धनिया, जीरा, लाल मिर्च और सरसों डाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब शाम भी होने वाला है तो आग को जला दिए रहते हैं, बच्चे लोग भी सेकाते रहेंगे और तब तक से इसमें अंगारा अच्छे से हुआ रहेगा तो हम लोग टमाटर भी भूंज लेंगे चटनी बनाने के लिए। दोस्तों हम लोग सभी लोग खाना खा लिए हैं, अब आ गए हैं आग तपाने के लिए। तो हम लोग सभी लोग आग थोड़ा सा तपा लेंगे फिर जाएंगे सोने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़, बाय।